हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बैंक एग्जाम क्यूबिकल यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ उमेश कुमार। दोस्तों, क्या आप बिगनर हैं? अभी भी आपका ग्रेजुएशन हुआ है या आपका अगले साल ग्रेजुएशन होने वाला है और आपने बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है? तो दोस्तों, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2023 के शुरू में आप सभी को बैंक और इंश्योरेंस में दो बिग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप सभी कैंडिडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि सर, 2023 में बैंक और इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्या NRACET लागू हो जाएगा? तो दोस्तों, जहां तक NRACET की बात है तो 2023 के बाद ही लागू होगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। आप सभी को पता है इतना जल्दी गवर्नमेंट जो है इसको लागू नहीं करेगा। जो रेगुलर पैटर्न पर एग्जाम चल रहा है उसी पैटर्न पर एग्जाम होगा। IBPS का कैलेंडर भी आएगा, IBPS का जो रेगुलर नोटिफिकेशन आता है वो सारे नोटिफिकेशन आप सभी को 2023 में देखने को मिलेगा। शुरू में आप सभी को 2023 के शुरू में आप सभी को दो बिग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक जो है RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और दूसरा LIC में EO जर्नलिस्ट का, नहीं तो ADO का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। LIC इसको लेकर के प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि काफी दिनों से LIC में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जैसे कि LIC EO जर्नलिस्ट का नोटिफिकेशन, LIC ADO हो गया, LIC असिस्टेंट हो गया, तो इसमें से आप सभी को दो नोटिफिकेशन शुरू में ही देखने को मिलेगा। तो आप सब लोग जो है इसके लिए रेडी रहिए। पहले आप सभी को RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जनवरी में देखने को मिलेगा और साथ साथ आप सभी को LIC में भी देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। तो आप सब लोग जो है रेडी रहिए। आप बिगनर हैं, अभी अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो आप सभी के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी से आप प्रिपरेशन करते हैं तो इन सारे एग्जाम में आप 100% जो है सक्सेस लेंगे, क्योंकि जो है दोस्तों अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है। अभी आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अपना बेसिक जो है कंप्लीट कर लीजिए। अनअकैडमी पर सारे जो है कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप सब लोग जो है जाकर के वहां से अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए। यूट्यूब चैनल पर या प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकोनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वहां पर आप सभी को सारे जो है टॉपिक, सारे जो है सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के टीचर जो है एक साथ मिल जाएंगे और आपका काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप बिगनर हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप जो है अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या आप जो है यूट्यूब से भी करके अपने बेसिक को कंप्लीट करके और आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम में आप सक्सेस ले सकते हैं। करंट अफेयर, करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्ट्रेटजी GK मैं आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूं, तो आप लोग जो है रेगुलर बेसिस पर फॉलो कीजिए। अभी जो बैंकिंग स्ट्रेटजी का जो टॉपिक है, जो इकोनॉमिक का टॉपिक है, स्ट्रेटजी का टॉपिक है, उसको अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट बनाकर रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है सभी टॉपिक को कवर करने के लिए। तो अभी से आप नोट बनाकर रखेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। और आप बिगनर हैं, आप नोवाई से अभी अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप सभी का काफी अच्छा वहां से प्रिपरेशन हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।